जी हाँ दोस्तों, बक्सी तालाब वासियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार तथा लाख लाख शुक्रिया। मेरा ही नाम शिवराज है, मैं बक्सी तालाब का रहने वाला हूँ। मैं अपने परिवार में सिर्फ दो लोग हूँ, मैं और एक मेरा भाई है जिसका नाम अजय। अजय मेरा भाई ट्रक ड्राइवर है और मैं भारती के दफ्तर में काम करता हूँ। सुबह उठकर अपने खेतों को निकल जाता हूँ, दो घंटे का समय अपने खेतों में देता हूँ, उसके बाद में दफ्तर को जाता हूँ। मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है, अगर है तो वो है मेरा भाई अजय। मैं भी अपनी जिंदगी में सोच लिया हूँ कि कभी कोई ऐसी दीवार नहीं खड़ी करूंगा जिससे हम दोनों भाइयों का प्यार जुदा हो। अपने भाई अजय की धूमधाम से सगाई करूंगा और जो उसके बच्चे होंगे उसी के साथ अपना जीवन बिता दूंगा। आज ही मेरा भाई एक हफ्ता हो गया बाहर गया था, आज ही आया हुआ है। जब तक अपने भाई अजय से मुलाकात नहीं कर लूंगा तब तक दफ्तर को नहीं जाऊंगा, अपने भाई के आने का इंतजार करता हूं। भैया तुम तो जानते हो बिना मैं तब से मिलकर के नहीं रह जाता हूं। इस दुनिया में तुम्हारे सिवा तो मेरा कोई नहीं है, लेकिन भैया तुम्हारे शरण में है, तुम्हारे शरण में है झुका सी से बरेली तरफ जाना पड़ रहा हो। और भैया कुछ मजबूरी होती है, हर एक इंसान को जाना पड़ता है। लेकिन मेरे भाई आज ये तुमने क्या कह दिया, कल ही एक हफ्ते के बाद आए हो और आज अपने भाई से फिर दूर जाने को कह दिया। अरे ये पगले, तुमने कैसे सोच लिया कि तेरे बिना एक पल मैं जी नहीं सकता। मेरे भाई कुछ मजबूरी होती मेरे भाई, हर एक इंसान को जाना पड़ता है, इसीलिए भैया मैं जा रहा हूं। लेकिन मेरे भाई ठीक है, अगर जाना चाहते हो तो तुमसे मैं जिद तो नहीं करता हूं, लेकिन जाने से पहले कुछ तुम्हें नसीहत देना चाहता हूं।
वो कभी दिलो दिमाग से भुला मत देना मेरे भाई, कभी ऐसा कदम मत रखना जिससे तुम्हारे बड़े भाई का सर नीचा हो मेरे भैया। तो सुनो मेरे भाई, जा रहे हो मगर ध्यान, झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन भैया मेरा दिल तो नहीं कहता जाने को, लेकिन कुछ मजबूरी होती है भैया तो जाना पड़ता है। अरे मैं कैसे आपको भूल सकूंगा, मैं तो आपको कभी जिंदगी पर नहीं भूल सकूंगा मेरे भाई। इस दुनिया में तुम्हारी सिवा तो मेरा कोई नहीं है, दूसरे आप भाई। मेरा दिल तो नहीं जाने का कहता है, लेकिन फिर भी बेचैन रहा मेरे भाई। हो भाई छोड़कर बाहर चला गया, लेकिन नहीं, छोटी छोटी बातों को दिल से भुला देना चाहिए। अगर ऐसे ही सोचेंगे तो हमारे भाई लोग अपने भाइयों को बाहर नहीं जाने देंगे, और जब तक बाहर जाने नहीं देंगे तब तक भाई लोग कभी उन्नत नहीं कर पाएंगे। लेकिन नहीं, आज मुझे दफ्तर में बहुत सारा काम करना है, इसलिए मुझे दफ्तर को चलना चाहिए। इंस्पेक्टर पॉल कुमार शर्मा, तुम मंत्री महोदय ने दो तरक पकड़ कर रक्षा नहीं किया, तो समझता है कि कानून के दायरे में रहकर तालाब का खुंडर राज खत्म कर देगा। आज मैं तेरी बहन सुमन को पकड़ कर मंत्री के चलो में नहीं डाल दिया तो हमारा नाम शोला। ऐसे क्या देख रहे हो, पहले कभी लड़की नहीं देखी है? और सामने आए
क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम सुमन है। ओ सुमन, तो आप ही का नाम सुमन है। इस पट्टल पवन कुमार शर्मा की बहन होना बहुत खूब। सुमन, मैं आप ही की तलाश कर रहा था। क्या मेरी तलाश कर रहे थे? सच सुमन, आपको देखते देखते मेरे दिल में चलती हुई आग ठंडी हो गई। वाह सुमन, कैसे अपने इन नाजुक हाथों से इंस्पेक्टर पवन कुमार शर्मा ने पाला है तुम्हें। बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिला करके तुम्हें शायनी कर दिया। वाह सुमन वाह। लेकिन सुमन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर क्या कहना चाहते हो? हमारी बात को बुरा तो नहीं मानोगे सुमन? नहीं, मैं आपकी बात को हरगिज बुरा नहीं मानूंगा। तो सुनो सुमन, कितनी तारीफ करूं तुम्हारी, आज आप चीटी चापती अप्सरा हो। अप्सरा हाँ सुमन, और तुम्हें तो लगे सुमन, सिर्फ आपसे एक हमारी अर्जी है। अगर आपने हमारी उस अर्जी को और हमारी बात को मान लिया तो बहुत अच्छा होगा। अगर हमारी बात को नहीं माना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब सुनो सुमन, और तेरे हुस्न सब भूल गया। अरे दिल तो चाहता है कि तुझे अपनी बाहों में उठा करके, है मेरी जान। बदमीत, में शर्म ले लेती इस बातें करते हुए? कैसी शर्म सुमन, अगर हमारी बात मान जाओ तो हमारे तुम्हारे प्यार में इस बक्सी तालाब में कोनो बीच में नहीं आएगा। बहुत मजा आएगा मेरी जान। और दूरी रखिए,
निगाहों ने मेरा दिल छीन लिया मेरी जान है। कह डालूं अगर तुम चाहो ना तो चक्को मारो और दिल निकाल लो मेरी जान। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं मेरी जान। सुमन सुनो मेरी बात और चला जाएगा। वही तो मैं जानना चाहता हूँ। अगर हमारा नाम जानता तो यहाँ तो आने की गुस्ताखी मत करता। लेकिन तू है कौन? जानना चाहता है तो मैं तुझे उसे बताऊंगा। बता। सुन और सुन ले सुनो मेरा नाम।
जवान की जुबान पर हमारा नाम है लेकिन तू हमारा नाम नहीं जानता। इसके मतलब तेरा नाम सोनू है। सच? तू गुंडा है? जी हाँ। बहुत बड़ा। सच? अच्छा तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ? कौन है तुम? तो हम तुझे अपना परिचय जरूर बताएंगे। हम बोलो तो सुन। तू गुंडा सोनू पर हाथ उठाया इसका अंजाम जानता है तो तेरी इसके चक्कर में कैसे फंस गए? क्यों? अरे क्या बताऊं यार, मैं कॉलेज को जा रही थी। अच्छा? और अचानक मेरे सामने आ गया, मुझे छेड़खानी करने लगा। अच्छा, लेकिन मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ, क्या जानना था? ये लड़की तू कौन है? अरे क्या है तेरा नाम? कहाँ की बहन हूँ और मेरा नाम सुमन है। जी हाँ। बहन सुमन, बहुत अच्छी बात। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? तो लाजी बचाई आपने, Yeah!
फर्ज बनता किसी की मदद करना, और हमने तुम्हारी मदद कर दिया। आओ तुम्हारे घर तक छोड़ के आओ। ठहरिए, तो हंसते जा रहे हो कि मुझे छोड़ दोगे यही? हाँ क्यों, हम तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। आओ, मगर मैं तुमसे और भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? बढ़िया थी हूँ भी है। मैं तुमसे बदतमीजी तो पागल तो नहीं है? तुम्हारे प्यार में बदतमीजी करोगी बहुत मारूंगा। तुम मारोगे? और क्या, सही बता तो कितनी बेशरम है? कैसे मारोगे? तो कितनी बेशरम है? कैसे मारोगे? तूने बेशरमी की कर दी, और मैं नहीं समझता था तो इतनी बेशरम भी है। मैं तेरी मदद ही नहीं करता। बाबा तो मान जाए, तब बाबा के पास चली जा। तुम्हें नहीं मालूम है बाबा हमारे पिता जमाने बाबा के पास क्या करते थे? मैं गलत कह रहा क्या? समझा देंगे, बहुत अच्छी बात बताएंगे तुझे। अगर जानते हो, अगर मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। हाँ मतलब तू इतनी दीवानी है, अपनी जान भी दे सकती है? तो मैं देखना चाहता हूँ किस तरह से तू जान अपनी देगी। मर जा। मजाक नहीं करी, मैं सचमुच जान दे दूंगी। हाँ तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? तो मर जा। ठीक है, मैं मरने के लिए। क्या बिगड़ेगा हमारा? हाँ कैसे? अरे यार तुम मौके पर तुम आ गए। ये लड़की कितनी बदतमीज है यार। पहले कत्ता पहले हमका बताओ। क्यों? पहले कत्ता पहले हमका पहले बताओ। तेरा मतलब क्या है? हम पूछे तुम कत्ता पहले हो? तेरा मतलब क्या है? आहे चदाऊ बहिलाऊ। आओ मेरे कोले भाई नहीं थे। क्यों रे? लेवड़िया के सारा ना जान। क्या सारा समझू मैं? हाय चदन। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हाय चदन लिखे चोदिया चदन। उड़ाए। ये जानो पहले समझाओ। तू क्या जानता है इसके बारे में? बारे में? अरे चदन लिखे चोदिया। फिर वही बात। ये समझाओ। लवड़िया तोंदी दिखावे बगल खजवावे ना कह पाएगा नकारा ले कह बजाओ। हराम की औलाद। क्या के बारे बताई दे? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अब है सौ नंबर बलेगा भोसड़ी के रे। क्या मतलब तेरा है? अब है सौ नंबर बलेगा तुमका पकड़ा दे। तो हम प्यार का ठेकेदार हैं। अच्छा इन तो मैं इससे प्यार करो। मैं इससे प्यार करना नहीं चाहता हूँ। प्यार ये अपनी जान देना चाहती है। प्यार कर रहे हो बच रहे हो? क्यों कुछ जास्ती है क्या? क्या तुम जानते ना ये कैसे? नहीं इनते बोझो। क्या इनते जाने? इनते बोझो कैसे कबड्डी खेल? क्या बोझ है इनते? इनते प्यार के बारे में बोझो कैसे कबड्डी खेलते हैं? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। प्यार कर रहे हो? नहीं नहीं लवड़िया ये सारा पहले है का पूरा कसरे पटाओ पटाओ पटाओ। ये तुम्हारा कौन है? कितने क्या तुम नालायक भाई हो? इतनी जवान बहन है उसे समझा नहीं सकते हो? क्या बात बताई? कैसे भाई इसके हो? जो लवड़िया मर गए। अच्छा तब तुम सब पकड़ दियो। तब वही मैं जानना चाहता हूँ ये किस तरह की अपनी चाल देखी है। चलो प्यार करो। मर जा। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मर जा। नंबर एक बाबा कह दो मान जा। मर जा। क्या हो गया? जितनी जल्दी हो सकता है जल्दी से मर जा तू। ए बाबा तुम उठ लो तुम कहाँ दाई बोलाई नहीं।
मर जा। क्यों नहीं मर रही है? नंबर दो। या भगवान इसे जल्दी से बुला दे। नंबर एक ही बचा है। तो मर जा। नंबर अब मैं समझ गया। अरे ओ पगली, जान पैरों में नहीं होती है, गले में होती है। गले का फंदा बना। कैसे? सिर्फ दो मिनट लगेंगे। गले का फंदा ही नहीं मालूम है? ये भी तुझे नहीं मालूम है? नहीं मालूम। ये भी बताना पड़ेगा। बहुत भोली लगती हो आप, बताते हैं। देख इस तरीके से लगा, इस तरीके। बदतमीज कहेगी? बदतमीजी कर रही। देखो बाबा को पूरा मजा आ गया होगा। पहली बात, क्यों नहीं मर रही है? तो ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार। मर जा। नंबर एक, नंबर दो, नंबर। तरीका दिखा रही है आप? इस तरीके से किसी लड़की को छेड़ोगे तो बहुत पीटे जाओगे। अच्छा, मैं तुम्हें छेड़ रहा हूं, तुम प्यार करना नहीं चाहते? अरे ओ पगली, हम तुझे छेड़ रहे हैं? अरे हम तो तुझे अजमा रहे थे, तो कैसे है? मैं तुझसे प्यार करूंगा, मैं खुद जा रहा हूं। अरे मैं तुम्हें अजमा रही थी। अच्छा जी हाँ। मुझे तुम अजमा रही थी? जी हाँ। तुम प्यार करना चाहती हो? सच? तुम नहीं समझती हो, तुम्हारा भाई एक पुलिस इंस्पेक्टर। ऐसा ना हो कि हमारा तुम्हारा प्यार अधूरा रह जाए। नहीं, एक बात कहूँ? क्या कहना? तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन? सैंपल देखना चाहते हैं?
यानी सैंपल देखना चाहते हो? जी हाँ। तो हम भाई निरोध गुब्बारा बेचे हैं।